कुछ भी करके ये डांस कॉम्पिटिशन जीतना ही है। किसी से भी कॉम्पिटिशन लगवा देते। अरे पता नहीं सवेरे सवेरे माँ क्यों उठाती है, 12 बजे ही के टाइमिंग है स्कूल का। ओके भगवान, उनको लगता है ये 12 बजे का स्कूल है ना, 12 बजे कर देना चाहिए। तू पागल हो गया क्या, 12 बजे का तो स्कूल है। अरे रात के 12 बजे का बोल रहा हूँ, भेजा खाली है इसका, समझ में नहीं आता। मजा आ जाएगा, 5 मिनट के बाद छोड़ना भी चाहिए स्कूल। ये बात की ना। अरे पर तू ये क्या पहन के आया बे, अपना यूनिफॉर्म किधर है तेरा स्कूल का। अरे तेरी छोटी बहन का है, बाहर सुखाने को रखा था, मैं लेकर आ गया। मेरी छोटी बहन का तू क्यों पहन के आया बे, बाहर सुखने को रखा था, कुछ थाली मेरे पास उठा लिया। तू क्या पागल इंसान है बे। अरे यार तुम ये सब छोड़ो, मेरे को ये बताओ आज किसकी क्लास है। पांडे सर। वो पकाने आने वाला है। पांडे, अरे मारा तो दिमाग करके रखा है, पता नहीं पांडे नहीं वो पांडा है। पांडा इतना खाता है, इतना खाता है कि भूल भी जाता है कि क्या पढ़ाऊ क्या नहीं। मुझे तो ये लगे है कि भाई ने पक्का डिग्री ली पैसा दे के। सही बात, एक नंबर का देहाती है, एक नंबर का। अरे नकली डिग्री मिली। बात कर रहे हैं छोरा, मेरी बात सुन। एक दिन मैंने ये पेंसिल देके मेरे को मारा। ए, मेरे पांडे सर को कुछ बोलना मत, वो मेरे फेवरेट है। ए, संकेत, ये बावली बात कर रहे तू? अरे तू ही तो बोल रहा था कि तेरा गुरुजी है वो नीम चढ़ा करेला है। ऐसा मत बोलो, पांडे सर है ना, पांडे सर मेरे फेवरेट सर है। अगर तूने कुछ बोला ना, मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। तू बावली और रखे छोरी, तू ही तो बोले कि तेरा भाई का बुद्धि तेरे पांडे सर से भी ज्यादा होशियार है करके। अरे तुम सब बावड़े हो गया, तुम सब समझे ना। चलो पांडे मेरे बालों को हाथ मत लगाओ। तो हाथ, बालों को हाथ नहीं लगाना। क्लास में 10 बार फेल हुआ, यही पढ़े कि बच्चे के साथ भी पढ़ ले। डांस कंपटीशन सर, मैं जाऊंगी, मैं भी जाऊंगी। सर मैं ना, तुम्हारा कंपटीशन है ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल के साथ। सर वो ऑक्सफोर्ड नहीं, ऑक्सफोर्ड होता है। अरे अरे होई होई सर, डांस कंपटीशन है ना, तो मैं तो अच्छा ही करता हूँ। मेरे पापा कितने अच्छे डांसर पता है आपको? अरे वो अब मेरे मम्मी के इशारों पे बहुत अच्छा नाचते हैं। सर मेरा तो नाम ही काफी है। अब ये कौन है बे? ऋतिक रोशन। ओह गॉड, यू नो व्हाट, मुझे स्कूल में आना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे यू नो समटाइम्स व्हाट आई फील कि टीचर्स को मुझे ही पढ़ाना चाहिए, उनसे ज्यादा नॉलेज तो मुझे। अब अनपढ़ मैं तो अब भी जस्ट लंदन से पार्टी करके आया। Oh, really? Yes. लापतागंज में कहीं लापता होके पड़ा होगा, और कहते हैं कि मैं लंदन से आया। लंदन का स्पेलिंग भी आता है कैसे? और वैसे जहाँ तक लंदन की बात है, मैं तो आए दिन जाए थे। I'm also thinking to go to London. So can you share me, you know, the hotels and resort you are staying? So you know, मैं accordingly वैसे plan करूँ? Yeah. Me too. Yeah. गंदा नाला। मैं तुम्हें WhatsApp पे दे देता हूँ, इट्स ओके। ओके।
कुछ एक्साइटिंग नहीं हो रहा है लाइफ में। देखा तुमने कहा कि तुम्हें बोर हो रहा है और बोरियत आ गई। No, we are saying ki that Pari tum aaj late ho gaye, so we were missing you, you know. Par pata nahi garmi na bahut pad gayi hai. Wo kya hai na, mujhe din bhar AC mein rehne ki aadat hai na. So garmi sahan nahi hoti mujhse. Tatti karni bhi AC mein jaati hai kya? Waise tumne kuch kaha? Waise main toilet mein na AC hai, AC. तो वो स्मेल सब टॉयलेट में ही रहता होगा ना, अगर तुम टट्टी करने जाती होगी तो। हाँ नाइस। गुड मॉर्निंग मैम। So good morning student, I have one news for you. So our school got selected for dance competition. So it's between Oxford English School and Chaganlal Mangalal Jagaria Hindi Medium School. So please guys be prepared and all the best. Oh God, ये स्कूल वाले भी ना किसी से भी कॉम्पिटिशन लगवा देते। लगता है टीचर को पता नहीं कि हमारे स्कूल में ना एक ही बेस्ट डांसर है। कौन कौन है? अरे मैं हूँ बार्बी गर्ल। वैसे यू नो व्हाट, इस कॉम्पिटिशन के लिए हमें बहुत अच्छे से रेडी होना है, ओके? ओह माय गॉड प्रीती, वो हिंदी मीडियम के बच्चे, उन्हें कहा डांस वगैरह आता होगा तो हम ही अच्छा डांस करेंगे। मतलब कि मैं बार्बी। बढ़ते जा रही है चर्बी और डांस करेगी हमारी बार्बी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें ना कुछ भी करके ये डांस कॉम्पिटिशन जीतना ही है। वो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने आप को समझते क्या है कि वो ऐसे बेली डांस करके डांस कॉम्पिटिशन जीत जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी हालत में हमें ये डांस कॉम्पिटिशन जीतना ही है। चलो चलते इंडिया। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सावधान रहे, सतर्क रहे। छोटा भीम, छोटा भीम। ये क्या चल रहा है? हमें डांस कॉम्पिटिशन जीतना। एक काम करो, जिसे जिसे अच्छा अच्छा डांस आता है ना, करके दिखाओ, एक एक स्टेप करके दिखाओ। अपुन दिखाता है। यस यस करो। हाँ देख। अरे ऐसा लग रहा है सांप नाच रहा है। उठो यहाँ से, तुम डांस करके दिखाओ। देखो अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। हमें इस गाड़ी में क्यों लाई है तू? अरे जरा चुप बैठो, वो इंग्लिश मीडियम वाली बार्बी डॉल है ना, हम उसे किडनैप करने वाले हैं। किडनैप? अरे पागल पिघल हो गई है क्या? किडनैप ना हम नहीं करेंगे। किडनैप करो उस बार्बी डॉल को, वरना अच्छा डांस करो। नहीं नहीं, किडनैप करो। देखो वो बार्बी डॉल है ना, बार्बी डॉल वो यहाँ पर ही आ रही है, तो मैं ना उसे बहला फुसला कर गाड़ी के अंदर बिठाती हूँ। जा रही हूँ। बार्बी डॉल, बार्बी डॉल, हाँ तू ही मैं यहाँ पर है, यहाँ पर, हाँ तू ही आ जा, यहाँ पर आ जा। अच्छा आर यू? वेट आई एम कमिंग। Excuse me, why are you calling me? Who are you? ये क्या बोल रही है इंग्लिश में? तेरा नाम पूछ रही है। संकेत, संकेत, I name संकेत। Hi, hi। Introduction बाद में दे, चलो इसको बिठा के। हाँ, ए, ए, चलो ना, चलो ना। What are you doing? Ouch! क्यों पकड़ के रखा? छोड़ो मुझे। अरे इसे अच्छे से पकड़ के रखो, तुम लोग बैठे क्या हो? आज प्लीज रिमूव योर हैंड, व्हाट आर यू डूइंग? ए बार्बी डॉल, तुझे ना हम लोगों ने किडनैप किया है। किडनैप? ओह माय गॉड, आई एम किडनैप। बट तुमने मुझे ये इतनी गंदी गाड़ी में क्यों लाया? आई वांट मर्सिडीज एंड बीएमडब्ल्यू। ओके ए बैठ, चुप बैठ।
मगरमच्छ जैसी तो शक्ल है और मर्सिडीज चाहिए, बीएमडब्ल्यू चाहिए। हमारा बजट ना इतना ही है, तो जरा चुप बैठ, ठीक है? ए बार्बी, चुप बैठ। एक काम करना तू, बस जो डांस कंपटीशन आ रहा है ना स्कूल का, उसमें डांस बिल्कुल मत करना। नो, मैंने बहुत सालों से इस डांस कंपटीशन के लिए प्रैक्टिस की है, मैं तो डांस करूंगी। अगर बार्बी तूने डांस किया ना, जो तेरा मेकअप है ना वो उतार कर बिना फिल्टर वाला फोटो इंस्टाग्राम पर अपलोड करेंगे। नो, नहीं, ऐसा मत करो प्लीज, ऐसा मत करो। मैं डांस नहीं करूंगी, ओके? अब आ गई ना लाइन पे, अब पता चला हिंदी मीडियम की ताकत क्या है। हाँ व्हाटएवर, अब मुझे छोड़ो, मुझे जाना है घर, ओके? चल। अरे यार प्रशांत ने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया, वो खुद तो यहाँ पर आया नहीं है। अरे वो कोफ्ते की दुकान में ले, मारे जाओगे, आज भाई का बर्थडे है। अरे एलविच भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? चल चल अभी केक काटते हैं, मस्त केक लग रहा है। छोटी सी ट्रीट है बट आज मेरे फार्म हाउस में बड़ा सा बर्थडे सरप्राइज पार्टी। यू नो प्रशांत, मैं डाइट पे हूँ तो मैं ऐसे ये जंक फूड नहीं खा सकती हूँ ना। अरे लेकिन इट्स योर बर्थडे, तो हाउ कैन आई से नो टू यू, है ना? तो इसलिए मैं खा लूंगी। अच्छा हो गया आज तो मैंने टिफिन ही नहीं लाया था। अच्छा कितने बरकत दे दिया। कमीनिया कभी नहीं सुधरेंगी। कुछ कहा? Did you say something? No, ऐसे ही बोलता रहते हैं। Okay, हम लोग ना शाम को पार्टी में जरूर आएंगे। एड्रेस दूंगा तब ना। मैंने बोला था ना तुझे कि तू डांस कंपटीशन में मत आ, क्यों आई है तू यहाँ पर? अरे वैसे मैंने डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया इसलिए आई हूँ, पर मैं तुमसे अच्छा डांस बिल्कुल नहीं करूँगी, और तुम तो बहुत अच्छा डांस करती हो ना। हाँ वो तो है, और हमारे बीच में तो फ्रेंडशिप भी हो गई है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए खास ये फ्रेंच फ्राइज लाया है, तुम्हें चाहिए ये? हमारे बीच में कब फ्रेंडशिप हुई? अभी हो गई है ना फ्रेंडशिप, हम दोनों बात करें फ्रेंडशिप हो गई, तो ये फ्रेंच फ्राइज तो खा लो तुम। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, मैं मेरे पूरे टीम के साथ खा लूँगी, मिलजुल के खाना, ओके बाय। ओह गॉड बार्बी, व्हाट आर यू डूइंग? तुम उन्हें क्यों बाय बोल रही हो? तुम्हें पता है वो कितना अच्छा डांस करे, एंड लुक एट देयर कॉस्ट्यूम, दे आर वेल प्रिपेयर्ड। वो फ्राइज मैंने क्यों दिए पता है उन्हें? उसमें मैंने लूज मोशन की टैबलेट मिक्स की, जैसे ही वो फ्राइज खाएंगे स्टेज पर टट्टी कर देंगे तो हम ही जीत जाएंगे। यस यस, चलो चलो।
मुझे लगता है कि प्राइस की अदला बदली हो गई है। कॉन्ग्रेचुलेशंस परी, तुम ये डांस कंपटीशन जीत जो गई हो। अरे जीतना तो था ही मुझे। वैसे मैंने सुना है कि तुम्हारी टीम बाथरूम के चक्कर काट रही है, तुम्हें किसने बताया? अरे मुझे पता था, जब तूने वो प्राइज दिया ना उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मैंने वो प्राइज नहीं खाया, मैंने वो प्राइज तेरे पूरे टीम को खिलाया, इसलिए तुमने भी तो मुझे किडनैप किया था। अरे अपुन ने तो सिर्फ डराया था तुझे, किडनैप थोड़ी ना किया था। अच्छा ठीक है सॉरी, इसमें कोई फर्क नहीं होता कि तुम कौन से भी स्कूल से पढ़ो, कौन से भी मीडियम से पढ़ो, बस तुम्हारे अंदर टैलेंट होना चाहिए। तुझे क्या लगा कि हम हिंदी मीडियम से है तो हमारे अंदर टैलेंट नहीं है? टैलेंट तो हमारे अंदर कूट कूट के भरा है। हाँ वैसे तुम्हारे साथ कॉम्पिटिशन करके ना बहुत मजा आया आज। अब अगले साल मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।